हम कहाँ से, मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी है आपको मिलेगा, और अब हम कहाँ से लावे इतने सारे पैसा। खून पसीने की कमाई है, अपना पैसा है, सोचा था बैंक में महफूज रहेगा, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, लेकिन अब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अपना पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। मैं रोज देखती हूँ कि बैंक की जो शेयर बाजार है वो डाउन हो रहा है, तो मुझे थोड़ा उठा लेना था कि बोला आंटी मत चिंता करो कुछ नहीं होगा, टेंशन तो बहुत हो। और बच्चे पहले मना कर रहे थे कि मत खोल मत खोल, मैं बोली नहीं, मैं नजदीक है तो रोज जाके कुछ भी मैं कर सकती। हर किसी का यही हाल है, हर खाता धारक हिले हुए हैं, उन्हें ना बैंक पर भरोसा हो रहा है ना सरकार के आश्वासन पर। किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए तो किसी को शादी के लिए, किसी को बच्चों की फीस देनी है तो किसी को सैलरी बांटनी है, सब भौचक्के हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई की निकासी की सीमा 50,000 रुपए में उनका क्या होगा और ये कब तक चलेगा। काफ़ी दिक्कत आ रही है, जैसे मेरा खुद की फर्म एक एजुकेशन कंपनी है, अब कल ही मैंने लोगों को सैलरी भी प्रोवाइड किया हुआ है, अब एक्चुअल आज मैंने पूछा मॉर्निंग में, जो मेरी ब्रांच है मणिनगर ब्रांच है वहाँ पर, तो वो लोग कुछ प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे। सबको सैलरी देनी है, त्यौहार सर पे है, क्या समझाऊंगा, कैसे उनका त्यौहार बनेगा, क्या बनेगा। सरकार को यही करना था तो भाई होली के बाद कर ले। सैलरी अकाउंट में सैलरी उठा नहीं पा रहा हूँ मैडम, और मेरे सारे इंस्टॉलमेंट सारे हाउसिंग के और सब इंस्टॉलमेंट इससे ही कटते हैं। चार एटीएम पे गया तो ऑलरेडी चार एटीएम पे मेरे को पैसा नहीं, सब एटीएम बंद ही था। जिनका घर चलता है, जिसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो सब अटक पड़ेगा, और खास करके इमरजेंसी में कोई मेडिकल इमरजेंसी आए। सरकार के खुलकर सामने आने से लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन पीएमसी बैंक का इतिहास उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा। सामने होली का त्योहार है, पिछली दिवाली पर पीएमसी बैंक ने दिवाला निकाल दिया था, गुरुवार रात से ही एटीएम के सामने लोगों की लाइन खत्म नहीं हो रही, बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ठप है, मुंबई से सटे ठाणे में इतनी भीड़ हो गई कि बैंक को पुलिस बुलानी पड़ गई। रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक के जो अपॉइंटेड ऑफिसर है उनसे वो रिक्वेस्ट करने में, उनको जो राहत देना है उनके पैसा बैंक से उनके अर्जेंट खर्च के लिए देना है वो देंगे, इसीलिए वो हेल्थ रीजन हो, घर में कुछ बड़ा खर्च का समय हो, जरूर उनको राहत मिलेगा। Shows complete regulatory failure and I wonder if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. PMC बैंक के बाद यस बैंक की खस्ता हाली पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार की बैंकिंग नीति और नियत घेरे में है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार की अर्थनीति को कटघरे में खड़ा किया, तो ओवैसी ने कहा ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। आईएलएफएस भी देखा, दीवान देखा, फिर पीएमसी हुआ, अब ये हो रहा है, क्या कर रहा है आरबीआई का नॉमिनी बैठकर सिर्फ चाय कॉफी पी रहा है क्या? उसका जो फाउंडर है राणा को क्यों सरकार ने अरेस्ट नहीं किया? जिस तरह दूसरे लोगों को आपने एयरपोर्ट पर नोटिस लगा दी भागने से रोका, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सब जानते थे कि यस बैंक डूबने वाला है। बड़ी हैरानी है, आम जनता गाढ़ी कमाई को भरोसे के साथ बैंकों में रखते हैं और बैंक उनके ही पैसे से ऐसा खेल खेलती है जिनमें बड़े बड़े मालामाल हो जाते हैं और जनता अपने ही पैसे के लिए हाथ पसारे रह जाती है। मुंबई से विद्या मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।